जय हिंद दोस्तों। आज 23 दिसंबर सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। आर्मी ने कहा आतंकी चाहे जहां छुप जाएं उन्हें बिल से भी ढूंढ निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अग्निपथ स्कीम पर अब डीजीएमओ ने भी उठाए सवाल, फैसला गलत। डिसेबिलिटी पेंशन पर आरटीआई का जवाब आया है, रक्षा मंत्रालय का जवाब गोलमोल, नहीं दे पाया सही जवाब। फिफ्थ सीपीसी के अनुसार सिपाही 59 ईयर्स, जेसीओ 65 ईयर्स तक जीवित रहते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एक लेटर जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। आर्मी कर्नल पर लगे धोखाधड़ी के आरोप, बड़ा घोटाला सामने आया है। और संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले, पुलिस से हुई थी चूक। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन, पूर्व सैनिकों के लिए जबरदस्त भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पहली खबर से बात करते हैं। आर्मी ने कहा है कि चाहे चूहे के बिल में घुस जाओ, दहशतगर्दों को खोज निकालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बता दें, 4 आर्मी सोल्जर शहीद हो गए थे आतंकवादी हमले पर, और उसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया है। और बता दें, आतंकियों को घेर लिया गया है चारों तरफ से और उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने कह दिया है कि उनको छोड़ेंगे नहीं। वही आतंकवादी एक है खालिस्तानी पन्नू, जिसने कहा है, पन्नू ने नए मोर्चे की घोषणा के लिए कश्मीरी आतंकवादी समूहों के साथ गठजोड़ कर लिया है। और बता दें, सेना भारतीय सेना पर हमले की सराहना की है। जो पन्नू है, खालिस्तानी नेता गुरपंत सिंह पन्नू, जो भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद और अमेरिका के साथ तनाव के बाद केंद्र में है। और बता दें, कश्मीर में आतंकवादी समूहों के साथ खुले जुड़ाव को दिखा रहा है, बता रहा है कि हमारा उनसे सीधा कनेक्शन है। खुद को कश्मीर खालिस्तानी रेफरेंडम फ्रंट का प्रवक्ता बताते हुए सिख फॉर जस्टिस प्रमुख ने कहा है कि गुरुवार को भारतीय सैनिकों को पर जो घात लगाकर हमला किया गया है, कश्मीरियों के खिलाफ भारत की हिंसा का परिणाम था। बता दें, जल्द ही इसका भी समाधान किया जाएगा, इस आतंकवादी का भी समाधान जल्द हो सकता है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। अग्निपथ स्कीम पर कई अधिकारी सवाल खड़े कर चुके हैं। और बता दें, जब सेना में थे उस समय उन्होंने सवाल नहीं खड़े किए थे। आपने जनरल नरवणे साहब का एक बुक उनकी देखी, बुक में उन्होंने बड़े खुलासे किए कि सेना को अचानक एक अग्निपथ योजना पकड़ा दी जाती है और सरकार ने अचानक दे दी, तीनों सेनाएं अचंभित हो गई। अब उसके बाद पूर्व डीजीएमओ ने भी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने भी कहा है कि सेना में जो अग्निपथ योजना तैयार की गई है, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, ये गलत तरीके से लाई गई एक योजना है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब डीजीएमओ थे उस समय सवाल नहीं खड़े किए, क्योंकि प्रमोशन का सवाल था। प्रमोशन इनका ना पीछे हो जाए तो सेना में जो कमियां हैं उसको उजागर नहीं करना, क्योंकि सरकार ने उसको लागू किया है। अगर हम उसको उजागर करेंगे तो हमारा प्रमोशन भी रुक सकता है। तो ऐसे इसके बाद आप रिटायर होते हैं और तब आप सवाल खड़े करते हैं, तो सबसे बड़े सवाल तो आप पर खड़े हो रहे हैं, क्या अगर सेना के अधिकारी चाहते तो अग्निपथ योजना कभी नहीं आती। सेना के अधिकारियों की और सरकार की मिलीभगत से ही ये योजना आई है, नहीं तो सेना में जो अग्निपथ योजना थोपी गई है ये कभी नहीं सेना में आती। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। रक्षा मंत्रालय के पास एक आरटीआई डाली गई थी कर्नल अमित कुमार के साहब के द्वारा, और बता दें उस पर कई सवाल पूछे गए थे जिसमें कि रक्षा मंत्रालय जवाब नहीं दे पाए। आरटीआई का आप देख सकते हैं, 11 दिसंबर का ये लेटर है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है। और उन्होंने उस आरटीआई के लेटर को जगह जगह फॉरवर्ड किया। और बता दें, इसमें मांगा गया था सूचना के अधिकार के तहत गलत हवाला देकर आरटीआई का निपटारा करने के लिए एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें, केवल जवाबदेही के लिए नहीं बल्कि जनता के सबसे बड़े हित के लिए रिकॉर्ड मना कर रहा है। यानी कि उन्होंने जो डिसेबिलिटी पेंशन के तो ऊपर सवाल पूछे थे, उसके बाद विकलांगता पेंशन पर जवाब नहीं दे पा रहा है रक्षा मंत्रालय, क्योंकि विकलांगता पेंशन में अचानक इतना बड़ा गैप आना सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, 2006 में जो जेसीओ ओआर ऑफिसर को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी,
और 2019 के बाद जो पेंशन मिलने लगी, बहुत बड़ा अंतर है। आरटीआई के सवाल में रक्षा मंत्रालय ने इस लेटर को जगह जगह भेजा कि आप इसका जवाब दें, आप इस मंत्रालय को भेजा, इस मंत्रालय भेज रहे हैं, कहीं उस मंत्रालय भेज रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और उस लेटर का जो जवाब आया है कि आपको जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा, तो ऐसे आरटीआई का जवाब आया है, तो ये आरटीआई के एक्ट के अनुसार बिल्कुल गलत है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। जनरल सतवीर साहब ने कई पॉइंट खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है फिफ्थ पे कमीशन के अनुसार जो सिविल सर्वेंट हैं, सिविल नौकर हैं, उनकी एज 77 इयर्स और जो रेलवे के हैं एम्प्लॉय उनकी 78 इयर्स रिटायरमेंट के बाद एज मानी गई है, लेकिन सोल्जर के लिए उनको ऐसा नहीं है। सोल्जर के लिए कहा गया है कि वो काफी दिनों तक जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो फिट रहते हैं इसलिए काफी दिनों तक वो जीवित रहते हैं। लेकिन फिफ्थ पे कमीशन के अनुसार एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है जिसमें कहा गया है सिपाही से हवलदार की एज 59 इयर्स तक, 59 से 64 इयर्स तक होती है, जेसीओ की 67 इयर्स और ऑफिसर की 72.5 इयर्स। तो जो जवानों को ये कहा गया कि जवान ज्यादा जीवित रहते हैं सिविल एम्प्लॉय से की अपेक्षा, और उसी हिसाब से जो भी हमारी पॉलिसी बनती है उसी हिसाब से पेंशन पॉलिसी बनाई जाती है, तो इसीलिए हमारी पेंशन में कमी आई है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है उनकी एज जो है डेथ होने की वो कम है और आर्मी की एज ज्यादा कर दी गई, जबकि रियलिटी दूसरी है। उस हिसाब से हमारी पेंशन में भी कई चेंजमेंट आने चाहिए, कई ऐसी प्लानिंग, अगर कोई पेंशन संबंधित प्लानिंग स्कीम वेलफेयर बनाए जाए तो ये देखकर बनाए जाए कि रियलिटी में एज कितनी रहती है सभी की। तो जनरल साहब ने ये ट्वीट किया है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। भारतीय सेना के कर्नल और उनके भाई पर आवासीय योजना घोटाले में धोखाधड़ी का आरोप लगा है, और बता दें ये 21 दिसंबर की खबर है। इसमें कहा गया है कि भारतीय सेना के कर्नल और उनके भाई पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आवासीय फ्लैट बनाने का काम सौंपी गई एक निजी कंपनी के माध्यम से उसने धोखाधड़ी का आरोप लगा है, और इसमें कहा गया है कि आरोप पत्र दाखिल किया गया है कड़कडुम्मा कोर्ट में दिल्ली में, और उसके बाद उनके आरोपी भाई और कर्नल पर गलत तरीके से प्लॉटिंग करके और उसका दुरुपयोग किया गया है, और बता दें उस कंपनी ने भी इसमें केस किया है और उसने जुर्माना लगाया है। 9 जनवरी 2024 को इसकी सुनवाई होगी। तो इसमें बड़ी बात ये निकल कर आई है कि कर्नल साहब इसमें आरोपी किए गए हैं और उनके भाई भी आरोप लगाए गए हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है संसद भवन की अब सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले की गई है। बता दें इससे पहले पुलिस सुरक्षा कर रही थी, दिल्ली पुलिस, अब सीआईएसएफ सुरक्षा करेगी, क्योंकि आपने देखा था 21 दिसंबर को मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अब सीआईएसएफ संसद भवन की सुरक्षा करेगी। इसमें दो जवान जो थे जो कि संसद भवन में कैंडल लेके उसमें वहां पर ड्रामा करने लगे थे, और उसके बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जब वहां पर स्मोक बम ले जा सकते हैं तो फिर वहां पर दूसरे भी ऐसी चीजें ले जा सकते हैं, तो अब पुलिस पर सवाल खड़े हुए। इसके बाद अब इसकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। बता दें जॉब से लेटेस्ट अपडेट है,